सो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज की इस न्यू वीडियो में। हमारे सामने खड़ी है रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350। इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाले हैं। काफ़ी अच्छी बाइक है, 2023 वेरिएंट की ये बाइक है। इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे, क्या एवरेज होगा, प्राइस होगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और ये 2023 वाला वेरिएंट है तो E20 पेट्रोल के साथ चलेगी, तो आपको एवरेज भी थोड़ा इसमें बढ़ गया है। इसके बारे में आपको बताते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल में आते हैं, तो यहाँ पे आपको राउंड शेप में वही आपको हाइलोजन बल्ब मिल जाता है, जिसमें आपको रॉयल इनफील्ड की आर करके आपको बैजिंग मिल जाएगी। और साथ में यहाँ पे आपको जो इंडिकेटर हैं, आपको हाइलोजन वाले इंडिकेटर मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको जो ये वाला मॉडल है ना, ये टॉप वाला मॉडल है, तो आपको डुअल चैनल ABS के साथ डिस्क आपको दोनों तरफ आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको MRF का टायर मिल जाता है। इसका आपको टायर साइज 190/19 का आपको टायर साइज मिलने वाला है इसमें। और ये अलॉय व्हील्स के साथ है, ये टॉप वेरिएंट है, इसलिए इसमें आपको अलॉय मिल जाता है। यहाँ पे आप अलॉय देख सकते हो, काफ़ी बेहतरीन अलॉय मिल जाता है। और इसमें पूरा जो काम है ना, मेटल बॉडी है ये पूरी, यहाँ पे आप देख सकते हो मेटल के साथ आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको मेटल बॉडी मिल जाती है। और यहाँ पे अपन सामने आते हैं, तो यहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड का लोगो क्लासिक 350 लिखा हुआ मिल जाएगा। मीटर की बात करते हैं, तो आपको डिजिटल प्लस एनालॉग दोनों मीटर आपको इसमें मिल जाता है। काफ़ी अच्छा लग रहा है मीटर। और इसमें सारे नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, ABS, चेक इंजन लाइट और पेट्रोल फ्यूल सभी कुछ आपको इसमें दिखाई देगा। और वहीं पे अपन बात करें तो इसमें फ्यूल टैंक में देखिए, यहाँ पे E20 की बैजिंग आने लगी है। और ये पूरा मैट कलर के साथ आपको पूरी बाइक मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी जो बाइक है ना, पूरा मैट ब्लैक के साथ है। और यहाँ पे आपको टैंक गार्ड भी लगा हुआ मिल जाएगा, जो मैट ब्लैक के साथ है। साथ में अपन यहाँ बात करें तो आपको यहाँ पे रेड कलर का स्टिकर गया हुआ है, पूरा काफ़ी अच्छा लग रहा है। रेड, डार्क रेड कलर का यहाँ पे स्टिकर का काम किया गया है। इसको फ्यूल टैंक की बात करें ना, तो आपको 15 लीटर का फ्यूल टैंक मिल गया है इसमें, तो आपको 15 लीटर इसमें फ्यूल आराम से रख सकते हो। यहाँ पे अपन साइड में आएंगे तो यहाँ आप देखिए रॉयल एनफील्ड करके आपको यहाँ पे 3D में लोगो मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा लगता है 3D में लोगो। और यहाँ पे अपन इंजन की बात करें तो 350 cc का इंजन है, एयर कूल्ड इंजन है। और ये फ्यूल इंजेक्शन के साथ आ रहा है, J1 इंजन, अब ये न्यू वाला इंजन इसमें आ चुका है, तो काफ़ी अच्छा स्मूथ इंजन इसमें आता है। 5 गियर का सेटअप मिल जाता है। और वहीं पर अपन साइड पैनल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लासिक 350 लिखा हुआ मिल जाएगा। और पूरी लुक वाइज अपन देखें इस बाइक को ना, तो आप पूरी इसको ब्लैक कलर का आप देख सकते हो। बाकी जो नट बोल्ट है ना, उसमें आपको कलर दूसरा इसमें मिल जाएगा, बाकी पूरी लुक वाइज अपन को पूरी ब्लैक मिलती है, तो काफ़ी अच्छी लग रही है। वहीं पे अपन इसके गियर की बात करें तो गियर आपको कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा, 5 गियर का सेटअप के साथ। बाकी यहाँ पे आपको लेडीज़ फुट रेस्ट प्लस आपको लेडीज़ गार्ड मिल जाएगा। और यहाँ फुट रेस्ट जो है ना, आपको रबड़ टाइप कलर रबड़ के साथ मिलेंगे। और वहीं आप एडजस्टेबल वाले आपको सॉकअप मिल जाते हैं इसमें। और यहाँ पर आप देख सकते हो टायर, जो टायर है ना, आपको ट्यूबलेस टायर मिलेगा, MRF का टायर मिल जाता है। और टायर साइज की बात करें तो 120/80/13/18 का आपको टायर साइज इसमें मिलने वाला है। और यहाँ पे आप देखें पीछे की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे आपको लुक वाइज देख सकते हो यहाँ पे आप कैसी लग रही है रॉयल एनफील्ड की। यहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको पूरा इंडिकेटर और यहाँ पे लाइट मिल जाता है। नंबर प्लेट रिफ्लेक्टर यहाँ नीचे आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको पार्किंग लाइट मिल जाती है, जो दोनों इंडिकेटर आपको इसमें चालू हो जाते हैं। और यहाँ पे अपन साइड की बात आते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी लग रही है, पार्किंग लाइट भी काफ़ी अच्छा इसमें दे दिया गया है। यहाँ पे आपको टायर और यहाँ पे आपको मिल जाता है अलॉय, और अलॉय के साथ आपको डुअल चैनल ABS के साथ आपको डिस्क मिल जाता है, काफ़ी अच्छी बात है। और इसमें आपको टॉप वेरियंट है, इसीलिए इसमें मिल रहा है, इसका बेस वेरियंट में ये सब नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पे आप सीट की क्वालिटी देख सकते हो, सीट काफ़ी अच्छी है और प्रीमियम सीट का काम किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको सॉकअप एडजस्टेबल वाले हैं, यहाँ पे 350 लिखा हुआ क्लासिक का, और यहाँ पे आपको रेड कलर का स्टिकर के साथ मैट फिनिश में आपको यहाँ पे पूरा लुक मिलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा इसका लुक,
बात करें इसके इंजन की ना, तो यह सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है, J1 इंजन है और इसमें OBD2 कनेक्टिविटी के साथ है। और इसमें आपको जो है ना किक नहीं मिलता है इस इंजन में, आप देख सकते हो यहाँ पे इसमें किक नहीं आता है। बाकी अपन को यहाँ पे फुट रेस्ट और ब्रेक पैड दोनों देख सकते हो, किस तरह का आपको फुट रेस्ट और ब्रेक पैड मिल जाता है। और इसके साइलेंसर की बात करें तो एक कंपनी फिटेड साइलेंसर इसमें दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके एग्जॉस्ट की साउंड सुना देते हैं कि कैसी आती आवाज़। तो आप इसके इंजन की आवाज़ तो सुन सकते हो कैसी इंजन की आवाज़ आ रही थी, काफ़ी शार्प आवाज़ आती है। J1 इंजन इसमें लग चुका है तो थोड़ा सा शार्प आवाज़ आ रही है, सिंगल प्लग के साथ आ रही है। और यहाँ पे आप रॉयल एनफील्ड का लोगो देख सकते हो साइड में, काफ़ी लुक वाइज जो देखें ना तो काफ़ी अच्छी लग रही है। यहाँ से भी आप देख सकते हो जो ये आपको लेग गार्ड है ना, ये लेग गार्ड देखिए कंपनी फिटेड मिल जाता है इसमें, ये वाला लेग गार्ड आपको लगा हुआ मिलेगा। और इसमें आपको सिंगल हॉर्न मिल जाता है, काफ़ी अच्छी बात है कि सिंगल हॉर्न इसमें मिल जाता है। बाकी अपन को प्लग इसमें सिंगल आने लगा है, डुअल प्लग नहीं आता है। आप सॉकअप देख सकते हो, काफ़ी अच्छे सॉकअप मजबूत दिए गए हैं इसमें। और ये आपको पूरा बटन का सेटअप दिखा देते हैं, यहाँ से आप हाई बीम लो बीम देख सकते हो बल्ब, और यहाँ पे आप पूरा सेल्फ और यहाँ कटआउट सेंसर, सेल्फ आपको यहीं से होगा चालू, आपकी पूरी बाइक यहीं से चालू होगी। और यहाँ डिस्क के लिए आपको ऑयल के लिए जगह दिया गया है। और ये जो है ना बाइक, ये कटआउट सेंसर वाली बाइक है, अगर आपका स्टैंड लगा हुआ है तो आपकी बाइक नहीं चलेगी, बंद हो जाएगी। आप गियर लगाओगे बाइक आपकी बंद हो जाएगी। और ये बाकी आपको पूरी लुक वाइज काफ़ी अच्छी लगती है। बाकी इसके प्राइस की बात करें ना, तो आपको इसका ऑन रोड प्राइस आपको लगभग 2,60,000 का ऑन रोड प्राइस जाने वाला है। इसके माइलेज की बात करें ना, तो आपको 40 किलोमीटर प्रति किलोमीटर का आपको माइलेज मिल जाएगा। और इसके वेट की बात करें ना, तो आपको 195 किलोग्राम का वेट मिलेगा, जो इसमें 15 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, जिसमें अगर आप 15 लीटर का फ्यूल टैंक डलवाओगे तो 195 किलो का वेट है। ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करें तो 200 mm का यहाँ पर ग्राउंड क्लीयरेंस मिल जाता है। तो इस तरह से है, बाकी आपको कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो जल्दी से आइए और देखिए। बाकी आप चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं।